चीज़ भी है, मोज़रेला भी है और भी बहुत कुछ है, और बहुत तरह के चीज़ मिलते हैं, बहुत तरह के मोज़रेला मिलते हैं। ये रहे, आप डिफरेंट हैं, उठा सकते हो। स्ट्रॉबेरी है, ये है। टमाटो है और इसमें भी डिफरेंट सेक्शन है। ये 1.89, ये 2.89 का, सॉरी ये 2.89 का है, और ये भी बड़े टमाटो है। ये अलग ही टमाटो है, पता नहीं क्या है। ये भी टमाटो है, ये 1.79 का है। और एक टमाटो ख़त्म हो रहे हैं, उनका प्राइस मैं तुम्हें दिखाता, जो छोटे वाले हैं जेली टाइप, वो है नहीं, अभी दिखाऊंगा मैं वो वाले भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आड़ू, हाँ ये आड़ू है, ये एप्पल है, और यहाँ पे भी एप्पल है। ये वाले एप्पल थोड़े सस्ते होते हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं, और ये लोग बंच का करते हैं 2 किलो के आसपास का, ये सस्ता रहता है। ये वाले एप्पल 0.49 और 0.99, ये सस्ते रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पे वो भी है केला, मैं आपको दिखाऊँ केले का प्राइस क्या है। केला है 1.29, वो बनाना वो भी पर केजी के हिसाब से, और इतना महंगा मैं सस्ता हो गया, ये मैं महंगा ले गया था। देखो 0.89 में पहुँच गया, 1.59 पे था। ये मौसमी, ये ग्रेप्स, इतना महंगा था मैं जब ले गया था, अभी सस्ते हो गए और 0.89 के पहुँच रहे हैं वो। हाँ, ये जितना छोटा होता है उतना महंगा होता है। 1.99 का है ये वाला 1.99 का है। ये नींबू है, ऐसा नींबू इतना बड़ा, इसका असार डलता है हमारे यहाँ, ये वो नींबू है। ठीक है, तो ये पिज़्ज़ा है फ्रोज़न, ये सारा का सारा फ्रोज़न है, इसको बस ओवन में डालो वो हो जाएगा। ये है झिंगुर, अपना झिंगू झिंगू झिंगू, सारा नॉन वेज फिश आइटम है मेरे को लेना है जो। ये है फिश, पहले से सब कुछ है, रेडी टू कुक है, बस फ्रोज़न है, आपको करना है और बस हो गया तैयार, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये अपने आलू है, ये पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी, ये है 1.79 की, ये बड़ी है तो ये 0.59 की। ये अनियन है अलग सी है ना, ये अनियन है, ये भी अनियन है, ये कैरेट है, और रेड वाली तो कैरेट मिलती नहीं है, यही वाली कैरेट है, और ये पपीता टाइप कुछ है, ये लेटेस्ट अपना, और 0.81 ये वाली। हाँ, वो जो मेरे को दिखाए थे, ये देखो तुम, ये टमाटो है 2.49 का, ओरिजिनली सेल होता है ये, ठीक है 2.49 का। और ये वाला जो टमाटो है, ये 2 यूरोज़ का है, जो कि आज सेल में है। और ये एक तोरे और एक खीरा खाते हैं लोग, ऐसे लेते हैं, थोड़ा अजीब सा हिसाब है। ये है अनार, और जिसका प्राइस है 4 यूरो। ये हमारा आम है, और इसका प्राइस है 2 यूरो, ठीक है, वो भी एक का, ऐसे एक वेंट का। देखते रहो बस, ये कीवी अपना इंडिया वाला ही मिलता है, एक केजी का है ये, 3 यूरोस के आसपास का। अब ये मत बोलना कि मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं कल शॉपिंग कर चुका हूँ अपने। ये राजमा है, ये पता नहीं क्या है, पर ये राजमा है। हाँ, ये राइस है, ये बासमती राइस है, और दाल भी रखी थी यहाँ कहीं, मैं देखी थी दाल, पता नहीं कहाँ। और ये पास्ता बहुत खाते हैं लोग, और ये सेवैयाँ भी बहुत खाते हैं, और दोनों चीज़ें हैं। दाल आपको ढूंढनी पड़ेगी, दाल भी मिल जाती है, दाल नहीं, ये तो वो है चीज़ वाला, ये नहीं है, ये तो ऑयल है। दाल
पता नहीं कहाँ की दाल ढूंढ लें कभी। फिलहाल तो मटर है ये, और जब हम छोले कुलचे में खाते हैं याद होगा आपको, इंडिया वालों को तो सब याद रहता है। ये सॉसेस हैं सारी, सही यार सेल चल रही है, पर चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें रखी थी, ये लोग स्टाफ चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ भर भर के। कॉफ़ी, पूरा यूरोप कॉफ़ी पीता है। ओके ये रही टॉफीज़, यहाँ केजेस के हिसाब से मिलती है टॉफ़ी, तो आपको जो सी भी टॉफ़ी पसंद है यहाँ पे आप केजी के हिसाब से ले सकते हो, और इनका प्राइस भी लिखा है ऊपर। यहाँ पे जो मुझे पसंद आई वो शायद आउट ऑफ स्टॉक चल रही है अभी। ये है सॉसेजेस, और पता नहीं होता मुझे, एक का भी नाम नहीं पता है, बस सॉसेजेस पता है। तो ये कुछ ऐसा है, अगर आपको लेना हो तो। ये रेडी टू कुक है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। एक मुझे यहाँ पे सूजी नहीं मिली, सेमोलिना। ये बेकरी है, पर आप बोलोगे कि बेकरी मीठा होना चाहिए, पर इसके अंदर भी नॉनवेज भर देते हैं, तो ये पता नहीं कैसी मीठा है। ये का नॉनवेज सेक्शन आता है। देखना हो मस्त मस्त चीज़ें। ये फिश, तो इस तरीके से हम लोगों की शॉपिंग थोड़ी फिनिश होती है, क्योंकि मैं सब कुछ ले चुका हूँ, तो मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आया था। बड़ी अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये एग है यहाँ पर, और ये शुगर है जो कि बहुत ही बारीक होती है, मैं आपको इसे दिखाऊंगा, तो बहुत बारीक होती है पर मीठी बहुत ज़्यादा होती है, शायद पता नहीं कैसे करते हैं लोग। और ये चीज़ है बटर, यस ये बटर है, तो बस यही है छोटा सा मैक्सिमम अपना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा छोटा सा मैक्सिमम मेरा टूर उसका। मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और प्राइस कंपेयर करके बताना कि कैसे कैसे थे प्राइस, ज़्यादा तो नहीं थे वैसे। फिर आपको किसी दिन अगले कुछ ब्लॉग में कुछ और दिखाएंगे, दूसरा वाला शोरूम यहाँ पर ही है मॉल पीछे लिडल, मैं आपको उस दिन दिखाऊंगा। जब तक के लिए लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल ग्रो करेगा तो हमें अच्छा लगता है, सपोर्ट के लिए थैंक यू। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक के लिए बाय बाय।